केंद्रीय कैबिनेट की कई अहम फैसले, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी, उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए कर्ज मिलेगा, गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक का कर्ज मिलेगा। दरअसल किसानों के हित में भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, ये बड़ी खबर आपको बता रही है। कई महत्वपूर्ण फैसले, उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए कर्ज यहाँ पर मिलेगा। केंद्रीय कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले हुए और इसमें पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी मिली है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को सिग्निफिकेंटली और स्ट्रेंथन किया जाएगा। अगर हम देखें, आप पिछले 10 वर्षों में फूड प्रोक्योरमेंट, फूड ग्रेन्स का प्रोक्योरमेंट सिग्निफिकेंटली बढ़ा है और एमएसपी भी कई गुने बढ़ी है, तो इसके कारण जो एफसीआई का ऑपरेशन, उसका स्केल बहुत बढ़ गया है। अगर जो एफसीआई के पास स्टॉक्स रहते हैं एंड ऑफ द ईयर, इफ वी लुक एट द एवरेज वैल्यू ऑफ द स्टॉक्स विच आर देयर एट द एंड ऑफ एनी ईयर, एवरेज 80,000 करोड़ के आसपास का स्टॉक एफसीआई में रहता है। अगर इस साल का देखें, 31 मार्च 2024 का, तो 98,000 करोड़ का स्टॉक एफसीआई के पास था। दैट मीन्स इसका जो स्केल है, वो स्केल बहुत बढ़ गया है। एफसीआई के ऑपरेशंस का पूरा स्केल बढ़ गया है। इस बढ़े हुए स्केल को केटर करने के लिए, फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग ऐसी करने के लिए, इस साल फरवरी में जो ऑथराइज्ड कैपिटल है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, वो बढ़ा के 10,000 करोड़ से बढ़ा के 21,000 करोड़ रुपीस किया गया था। और आज कैबिनेट ने फैसला लिया है कि फ्रेश एक्विटी कैपिटल 10,700 करोड़ रुपीस का एफसीआई में इन्फ्यूज किया जाएगा। सो दैट मीन्स एफसीआई विल बी एबल टू डू मच मोर देन व्हाट इट हैज बीन डूइंग, एंड दिस इज इन लाइन विद व्हाट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैज ऑलवेज एम्फेसाइज्ड, कि किसानों का वेलफेयर, अन्नदाताओं का वेलफेयर हमारे लिए एक टॉप प्रायोरिटी है।